नमस्ते, आज के इस समाचार कैप्सूल में आने के लिए धन्यवाद। क्या आपने ये कहावत सुनी है, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। इसका अर्थ है कि हमें किसी को भी इस बात से नहीं परखना चाहिए कि वह देखने में कैसा है। किसी की भी चमक या बाहरी आवरण से इस बात का अंदाजा नहीं लगाया जाना चाहिए कि वह हमारे लिए कितना मूल्यवान है। हमेशा थोड़ा गहराई में जाकर परखें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के कैप्सूल की। हाल ही में नासा ने घोषणा की है कि लंबे समय से उनके हेलियोफिजिक्स डिवीजन के अध्यक्ष 16 साइंटिस्ट को एजेंसी के साइंस अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया है। इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब इस पद पर कोई महिला आई है। निकोला फॉक्स पार्कर सोलर प्रोब की टॉप साइंटिस्ट थी। अब वे एजेंसी के साइंस मिशन डायरेक्टरेट के लिए नासा के एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर का काम संभालेंगे। क्या आपको मालूम है कि इस यूनिट द्वारा नासा के कुछ बेस्ट नोन प्रोग्राम्स के कार्यों की निगरानी की जाती है। इसमें मंगल पर जीवन से लेकर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के साथ दूर की गैलेक्सीज के बारे में पता लगाने का कार्य शामिल है। उनके इस नए काम के लिए उन्हें हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक प्रसिद्ध ब्रांड नोकिया ने लगभग 60 सालों में पहली बार अपनी ब्रांड आइडेंटिटी को बदल कर नया लोगो बनाने की घोषणा की है। नया लोगो में नोकिया शब्द बनाने वाले 5 अलग अलग आकार के शब्द और पुराने लोगो के नीले रंग के स्थान पर प्रयोग के आधार पर अलग अलग रंग हो गए। यह केवल ब्रांडिंग का परिवर्तन नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण है कि टेलीकॉम इक्विपमेंट मेकर अब इस उद्योग में अपना स्तर एक बार फिर से पहले स्थान पर लाने के लिए फोकस कर रहा है। अर्जेंटीना के विश्व कप विजेता कप्तान लियोनेल मेसी को इसी हफ्ते आयोजित द बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड्स में पुरुषों के फुटबॉल में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का ताज पहनाया गया। क्या आपको मालूम है कि मेसी को उनके पीएसजी टीममेट काइलियन एम्बापे और रियल मैड्रिड कैप्टन करीम बेंजेमा के साथ इस प्रसिद्ध पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था। अब मेसी को 7 अलग अलग अवसरों पर फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। वह इस खेल के मोस्ट डेकोरेटेड प्लेयर्स में एक बन गए हैं। यह तो एक शानदार उपलब्धि है। पिछले हफ्ते ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने केप टाउन में आयोजित एक कड़ी प्रतियोगिता में साउथ अफ्रीका को 19 रन से हराकर छठा T20 वर्ल्ड कप टाइटल जीत लिया। ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर बेथ मूनी के 74 रन का स्कोर उनकी जीत के लिए महत्वपूर्ण रहा। पूरी टीम की बॉलिंग परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया थी। भारत पिछले हफ्ते ऑस्ट्रेलिया के साथ सेमीफाइनल्स में कड़ी प्रतियोगिता में 5 रन से मैच हार गया। सभी विजेताओं को हमारी ओर से बधाई। अब हमें 2024 में बांग्लादेश में होने वाले अगले T20 वर्ल्ड कप का इंतजार है। नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप भारत की स्टेट एसोसिएशंस और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के बीच स्टेट लेवल नेशनल फुटबॉल प्रतियोगिता है, जिसे हीरो संतोष ट्रॉफी के नाम से भी जाना जाता है। यह देश का सबसे प्रेस्टीजियस डोमेस्टिक टूर्नामेंट है और इसका आयोजन हर साल किया जाता है। इस साल यह टूर्नामेंट एक और स्तर आगे बढ़ गया। टूर्नामेंट के फाइनल और सेमीफाइनल का आयोजन पहली बार विदेश में सऊदी अरेबिया में किया जा रहा है। मेघालय 8 बार चैंपियन रहे पंजाब को बहुत ही रोमांचक सेमीफाइनल में हराकर इतिहास में पहली बार फाइनल में पहुंच गया। एक और मैच में कर्नाटक सर्विसेज टीम को हराकर 47 साल में पहली बार फाइनल में पहुंच गया। कल के फाइनल में आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे थे? पिछले हफ्ते US प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अजय बंगा को वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष पद के लिए नामित किया। यदि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा उनके नामांकन का अनुमोदन कर दिया जाता है तो वे इस प्रेस्टीजियस पोजीशन पर आने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति होंगे। क्या आपको मालूम है कि अजय बंगा मास्टर कार्ड्स के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में कार्य करते थे। जो बाइडेन ने जलवायु परिवर्तन जैसे विषयों पर उनकी एक्सपर्टीज की तारीफ की है। बोर्ड द्वारा सभी सूचीबद्ध उम्मीदवारों का फाइनल इंटरव्यू लिया जाएगा ताकि मई 2023 के शुरू में
नए अध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाए। तो इस संबंध में आगे की जानकारी लेते रहें। द सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस की पहचान करने के लिए ग्रीन स्कूल प्रोग्राम के एक भाग के रूप में वार्षिक अवार्ड दिए जाते हैं। इस साल पूरे भारत में इसमें भाग लेने वाले कुल 700 स्कूलों में से 106 स्कूलों को ग्रीन टैग दिया गया। इन स्कूलों में से 19 स्कूलों को अपना कैंपस एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाने के लिए टॉप मोस्ट एनुअल ग्रीन स्कूल अवार्ड दिया गया। हिमाचल प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य का अवार्ड मिला। इन स्कूलों द्वारा अपनाई जा रही इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ें और इस बारे में अपने विचार हमें contactus@igrasp.com पर भेजें। हवा के प्रदूषण कम करने और प्राकृतिक संसाधनों को कमजोर होने से रोकने के लिए इलेक्ट्रा ग्रीन टेक ने रिलायंस के साथ भागीदारी करके हाइड्रोजन पावर्ड बसें तैयार करने की पहल की शुरुआत की है। क्या आपको मालूम है कि ये बसें इको फ्रेंडली है, क्योंकि ये अपने एमिशन के बाय प्रोडक्ट के रूप में केवल वाटर वेपर ही पैदा करती है। एक बार भरे हुए हाइड्रोजन से बस 400 किलोमीटर की यात्रा कर सकती है। अगले पीढ़ी की ये बसें बिक्री के लिए अगले साल तक उपलब्ध हो जाएंगी और इनसे निश्चित रूप से भारत को नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी। किसी भी जीवित हाथी या अन्य किसी जानवर को हायर ना करने के अपने वचन का पालन करते हुए केरल का एक मंदिर अपने रिचुअल्स के लिए मैकेनिकल लाइफ लाइक एलिफेंट्स का प्रयोग करने वाला देश का पहला मंदिर बन गया है। इस हाथी का नाम इरिंजार पिली रामन है। यह अवार्ड जीतने वाली अभिनेत्री पार्वती तिरावोतहु के सहयोग से एनिमल राइट ऑर्गेनाइजेशन PETA इंडिया द्वारा एक उपहार के रूप में दिया गया था। इस रोबोटिक एलिफेंट की सहायता से मंदिर में सेरेमनीज बिना किसी हिंसा के सुरक्षित रूप से करने में मदद मिलेगी और हाथी जंगल में आजादी से रह सकेंगे। यह तो बहुत ही सोच विचार के किए गए काम है ना। यूनाइटेड किंगडम में सप्लाई क्रंच के कारण टमाटर की कीमतें बहुत बढ़ गई है, इसलिए वहां बहुत से रेस्टोरेंट को अपने मेन्यू से इस एसेंशियल वेजी को हटाना पड़ गया है। अब वहां ना तो पिज्जा में रेड सॉस है और ना ही पास्ता में टमाटर है, क्योंकि वहां शेफ इस फ्लेवर सम इंग्रेडिएंट का प्रयोग नहीं कर पा रहे। क्या आपको मालूम है कि वहां टमाटर की कीमत एक साल में 4 गुना बढ़ गई है? यूके में इन्फ्लेशन, लॉजिस्टिक इश्यूज और ब्रेक्सिट आदि टमाटरों की कमी का मुख्य कारण है। इनके कारण सर्दी के महीनों में टमाटरों का आयात प्रभावित हुआ है। हमें उम्मीद है कि वे इसका कोई न कोई हल ढूंढ लेंगे। इस सप्ताह का मुहावरा है खून खौलना, जिसका मतलब है बहुत क्रोध में होना। आतंकियों का दुस्साहस देखकर सेना के जवानों का खून खौल उठा। बूझो तो जाने, परत परत पर जमा हुआ है इसे ज्ञान ही जान। बस्ता खोलोगे तो इसको जाओगे तुम पहचान। किताब पहचानो कौन? ये अमेरिकन सिंगर और रॉक स्टार 1980 के एक ग्रुप के फाउंडर है जो इनके नाम से जाना जाता है। पूरी दुनिया में इनकी 130 मिलियन एल्बम बिकी हैं और इन्होंने अभिनेता के रूप में एक स्मॉल स्टेंट का काम भी किया है। ये इट्स माई लाइफ के गायक और लेखक लेजेंडरी अमेरिकन लेजेंड फ्रैंक सिनाट्रा के ब्लड रिलेटिव हैं। इनकी पहली ऑफिशियल रिकॉर्डिंग स्टार वॉर्स क्रिसमस सॉन्ग है। ये जॉन बॉन जोवी है। क्या आपको मालूम है कि जॉन फ्रांसिस बॉन जोवी जूनियर बहुत ही परोपकारी हैं? वे बेघर लोगों और सशस्त्र सेनाओं के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स डोनेट करते हैं। क्या आपको मालूम है कि शीप काउंटिंग नाम के एक खेल का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया जाता है? इस प्रतियोगिता का आयोजन सबसे पहले 2002 में न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। इस खेल का उद्देश्य शीप की गिनती करना है। जिसका अनुमान सबसे सही होता है वह विजेता होता है। इस खेल के पहले विजेता पीटर डिसेली ने 277 शीप की गिनती की थी। है ना मजेदार? क्विज टाइम। सभी ओलंपिक खेलों में किन दो देशों ने भाग लिया है? अपने जवाब
कॉन्टैक्ट अस एट igrass.com पर अपने पूरे नाम, स्कूल के नाम और एक फोटो के साथ लिख भेजिए। पिछले सप्ताह के प्रश्न का उत्तर। तेंदुए के धब्बों को रोजेट्स कहा जाता है। भावी युवाओं के लिए भारत के प्रमुख समाचार कैप्सूल iGrass द्वारा आयोजित साप्ताहिक क्विज में सफलतापूर्वक भाग लेने पर लोटस वैली इंटरनेशनल स्कूल गुरुग्राम की इवाना अग्रवाल का हार्दिक अभिनंदन। हमें उम्मीद है कि हमारा आज का यह समाचार कैप्सूल आपको पसंद आया होगा। ना तो सोना हमेशा चमकता है और ऐसा भी नहीं है कि इधर उधर घूमने वाले सभी खोए हुए हैं। सफलता हमेशा वह नहीं होती जो दिखाई देती है, इसलिए अपनी नजरों को इस बात के लिए तैयार करें कि वे किसी भी चीज या व्यक्ति को परख कर उसकी वास्तविक सुंदरता देख पाए। इस सप्ताह के लिए इतना ही। नमस्ते।